गांधीनगर में डिफेन्स एक्सपो में विविध सुरक्षा साधनों और उपकरणों प्रदर्शन योजायुं, जेमां भारत की एकमात्र एवी कंपनी जोवा मळी के जे भारत में बुलेट्स प्रोडक्शन करी अन्य देशों ने वेचे छे। कंपनी मेन्युफेक्चरिंग गोवा स्थित छे। कंपनी यूके, यूएसए अने आफ्रिका सहित अनेक देशों में बुलेट्स वेचे छे। 90% जेटलुं उत्पादन एक्सपोर्ट पण करे छे। जी, ये 2016 में हमने इस्टेब्लिश की। 2014-15 में मैं यूएस में ट्रेनिंग लेके आया था बुलेट मैन्युफैक्चरिंग पे, और 2018 में हमें लाइसेंस मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और 2020 की शुरुआत में हमने कोविड के थोड़े बाद ही प्रोडक्शन चालू की। यहाँ से हम यूएस, यूके, मिडल ईस्ट, अफ्रीका सब जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 90% हमारा जो प्रोडक्शन है बाहर जाता है। एक्सपो में वर्चुअल रियालिटी एरक्राफ्ट सेम्युलेटर आकर्षण केन्द्र बन्यू। उद्घाटन समय पीएम मोदी 5 मिनिट आ सेम्युलेटर ने फाड़ी। आ उपकरण आर्मी, नेवी और एरफोर्स की टीम में हेलिकॉप्टर ट्रेनिंग माटे काम लागे छे, जे हयात करवामां आवे छे अने तेनी किंमत घणी ऊंची होय छे। हवे ज्यारे भारत में सेम्युलेटर प्रोडक्शन थशे तो भारतीय सेना ने सरळताथी अने ओछा खर्चे आ सेम्युलेटर मळी रहेशे। सिम्युलेटर्स बहुत मोंगा हो, जे आपणे बारेथी इम्पोर्ट करता था, जे आपणे यूके क्यों के यूएस थी इम्पोर्ट करीए छे, ए 100-150 કરોડની રેન્જમાં હોય છે। અને આ અમે લોકો જે છે એના 2-3% રેન્જમાં અમે લોકો આ ઇન્ડિયન આર્મીને આપશું, અને કમ્પ્લીટલી ઇન્ડિયામાં ભારતમાં આપણે બનાવેલું છે આ વસ્તુ। ભારતે નાના હથિયારો માટે પોતાનું માર્કેટ તૈયાર કરી લીધું છે, ખાસ કરી અને ડ્રોન છે મહત્વનું હથિયાર સાબિત થઈ રહ્યું છે। ત્યારે ભારત પાસે એવા ડ્રોન બનાવવાની ક્ષમતા છે જે સર્વેલન્સ પણ કરશે અને એટેક પણ। ડ્રોન મેન્યુફેક્ચરિંગના લીધે દુશ્મનોને ટાર્ગેટ કરી સરળતાથી ગ્રેનેડ હુમલો કરી શકાશે, સૈનિકોના જીવ પણ બચી શકશે। ये ड्रोन, इसको अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बताते हैं, इसमें जितने सारे मोटर्स और ग्रेनेड्स हम लगा पाएंगे, उससे क्या होता है कि जो नॉर्मल ग्रेनेड होता है वो खाली 300 मीटर तक एक सोल्जर फेंक पाते हैं या उतने दूरी तक जा सकता है। हाँ। इसको हम ड्रोन पे डालने की वजह से हाँ। इसको हम 15 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। इससे हमारे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे सोल्जर लाइन ऑफ फायर में नहीं आते हैं, उनकी जान बच जाती है, और जो भी है अगर कोई दुर्घटना भी होगा वो ड्रोन का खाली इंस्ट्रूमेंट का होगा, ना कि हमारे सिपाहियों। दक्षिण गुजरात ना लोगों ने दिवाली वादळछाया वाता